वर से वचन मांगे उसी तरह से वर कन्या से वचन मांगता है, कहता है विष्णु अग्नि जल और जितने भी सब बंधु लोग हमारे बैठे हैं इन सब को तुम साक्षी मानकर कहो कि आज से तुम्हारा शरीर तुम्हारा मन तुम्हारी आत्मा ये मेरे लिए है, किसी पराये पुरुष के लिए नहीं। बेटी सुमन तुम्हें ये स्वीकार हो तो तुम हां कर दो।
डार्लिंग, वो रहा अपना घोंसला इस दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर। क्यों मेरे बुलबुल, बादलों से बातें करती हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। दुआएं देती हूँ जीजाजी को जिन्होंने आप जैसा पति मुझे दिया। दुआएं तो मैं भी न जाने हर रोज कितनी बार देता हूँ तुम्हारे जीजाजी को।
जिनकी बदौलत मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली, उन्होंने सच ही कहा था, समीर ये लड़की तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। और आज मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है ना, तो वो मेरा घर है, मेरा और तेरा घर। चलो डार्लिंग, अपने स्वर्ग में चले। हाँ, अरे लिफ्ट नहीं आई। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, अटक गई क्या? अंकल अंकल, लिफ्ट खराब है, 11 नंबर से जाइए पैदल। ओह नो, 7 मंजिल पैदल चलकर जाना पड़ेगा। जाने मन, लिफ्ट तो हमारे लिए खराब है, आप क्यों फिक्र करती है? आपकी लिफ्ट तो चालू है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? आपके पांव बहुत नाजुक हैं, हम इन्हें जमीन पर नहीं उतरने देंगे। अच्छा, ऐसे ही ले चलेंगे ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। मुझे भी उठा के ले चलो ना। लो जाने मन, तीसरी मंजिल तो हमने पार कर ली, अब चौथी, उसके बाद पांचवी। जो जाने मन, लिफ्ट ठीक चल रही है ना? देखा क्या नजारा है, शर्मा जी अपनी बीवी को बाहों में उठाए कैसे लिए जा रहे हैं। अरे भगवान, नई नई शादी है ना, शर्मा जी जोश में है। 7-8 साल बीत जाने दो, इन्हीं शर्मा जी का दिल करेगा कि अपनी पत्नी को सातवीं मंजिल से नीचे पटक दे। आ भगवान, चलो। चलो आ गई अपनी मंजिल, अब तो नीचे उतार दीजिए। कैसे उतार दे नीचे, इतनी मेहनत की है, काम भी तो चाहिए। एक बात कह रहे थे आपसे, वसूली किए बिना हम नहीं छोड़ेंगे। बोलिए। लो जाने मन, बिल्डिंग की लिफ्ट होती ना तो आपको सिर्फ कॉरिडोर तक छोड़ती। अरे ये आपकी जो लिफ्ट है ना, वो आपको आपके बेडरूम तक छोड़ रही है। ना मत यहां से, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कितने नाजुक हैं आपके पांव, हमने जमीन पर नहीं उतरने दिए। अब जिस दिन ये जमीन पर उतरेंगे ना, तो लोग हैरत से कह उठते हैं, ओ मिसेस शर्मा के पांव तो भारी हो गए हैं।
कैसी कपटी है ये हाथ, होश में हर समय इसके लबों पर मेरा नाम और बेहोशी में राकेश का। इसका मतलब मेरी बीवी के उसके जीजा के साथ नाजायज संबंध थे, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ यारमारी की गई है। तुमके पास मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर शायद कुछ गिर गया। क्या हुआ? कारपेट गिर गया जी। ओह नो, सब कुछ गिर गया। उफ, ये गुड नाइट भी टूट गया। अब मच्छरों को भगाने के लिए दूसरा लाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, उफ, ये फ्लावर पॉट भी टूट गया। कितनी बार कहा है आपसे, किस मनुष्य कापड़ को बेच दीजिए, मगर आप है कि बस। किसी के दिए हुए तोहफे की कीमत क्या होती है जानती हो? उसे बेचा नहीं जाता। और फिर तुम्हें तो ये तोहफा दिया भी तुम्हारे जीजाजी ने है। आप जीजाजी की फिक्र मत कीजिए, उनकी गारंटी मैं लेती हूँ। अब जब जी चाहे इसे बेच दीजिए, वो कभी बुरा नहीं मानेंगे। लगता है जीजाजी ने आपकी नींद खराब कर दी है। चलिए आराम कीजिए। बस बस बस, आई एम फिनिश्ड। फिनिश्ड? आज आपने खाया है कुछ नहीं? अब एक कप गर्म चाय मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लीजिए। ये क्या? दूध। लेकिन मैंने तो हुजूर, आजकल आप मेहनत बहुत करते हैं, आपके दूध पीने के दिन है, पीजिए। मशीन एक बात पूछूं बीबी जी।
जब ये बाकी के कपड़े मुझे धोने हैं तो ये दो तीन कपड़े भी मैं ही धो लेती। आप क्यों तकलीफ करती है रोज? साहब के कपड़ों को अपने हाथों से धोने में जो आनंद मुझे मिलता है वो तुम नहीं समझोगी। पति को परमेश्वर तो हम भी मानती हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आप तो ये तो अपनी अपनी बात है पुष्पा। जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। और फिर मैं कहा हूं, मेरा तन मन आत्मा सब उन्हीं का तो है। सच मानना पुष्पा, मेरा हर सांस तुम्हारे साहब के नाम लिखा है। तुम अपना काम करो, मुझे खाना बनाना है। जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं। और फिर मैं कहा हूँ राकेश, तेरा तन मन आत्मा सब उन्हीं का तो है। सच मानना पुष्पा, मेरा हर सांस तुम्हारे साहब के नाम लिखा हुआ है। राकेश, मेरा तन, मेरा मन राकेश, मेरी आत्मा राकेश, साहब के नाम राकेश लिखा है। राकेश, जो प्यार राकेश उन्होंने मुझे दिया। राकेश, 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 राकेश।
हर तरफ यूं सजी है तन्हाई, घर की जीनत बनी है तन्हाई, हर तरफ यूं सजी है तन्हाई। कौन कहता है मैं अकेला हूँ, अकेला अकेला। कौन कहता है मैं अकेला हूँ, मुझसे लिपटी हुई है तन्हाई, घर की भी। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तू वही राकेश है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। क्यों? तेरा तो उसूल था कि जिसको हर रोज ताजा दूध मिलता हो उसे घर में गाय बांधने की क्या जरूरत है। तू बहुत बदल गया। बदल नहीं गया हूँ, सुधर गया हूँ। अच्छा? हाँ, सच पूछे तो समीर, हाँ? इसमें तुम्हारी भाभी का बहुत हाथ है। कैसे? एक बार घूर कर देखती है, हाँ? तो सारी आशिकी पसीना पसीना हो जाती है। लेकिन मैं चोरू का गुलाम नहीं हूँ। अच्छा? हाँ, ऐसा? हाँ। जी। फैंटास्टिक, इसे कहते हैं कार्पेट। तुम्हें पसंद है? क्यों नहीं, बहुत पसंद है। तो ठीक है, हम इसे तुम्हारे लिए रख देते हैं। वैसे इस कारपेट में हमारी बहुत यादें लिपटी हुई है। कोई और होता तो हम उसे कभी नहीं देते, मगर तुम्हारी बात और है। तुम्हारी शादी में ये हमारी तरफ से वेडिंग गिफ्ट होगा। तुम जब भी इस कारपेट को देखोगी हमें याद कर लिया करोगी। समीर, ये सुमन है मेरी साली। नमस्ते। नमस्ते। और ये वंदना, वंदना राकेश, याने तुम्हारी भाभी। नमस्ते। नमस्ते। और ये है समीर, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। बड़ी मुद्दत के बाद मिला है मेरा यार। आज रात का खाना हमारे साथ ही खाएगा। अरे, आप लोगों की सवारी कहाँ निकली? कुछ परचेजिंग करनी थी। पैसे निकाले जीजा जी, पैसे। देखा कितनी चालाक है तुम्हारी भाभी, जब भी पैसे लेने होते हैं ना इसे आगे कर देती है। जानती है ना पति पत्नी को बेशक ना कर दे मगर साली को कभी ना नहीं कर सकता है। लीजिए। ये भी लाइए ना। क्या? आपको नहीं मालूम आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है? हा? ये लीजिए। अच्छा चलते हैं। अजी चलते कहाँ हैं, पहले अपनी ड्यूटी तो पूरी करती जाओ। श्योर जीजा जी। थैंक यू। चलो दीदी चलो। समीर यार अब तू भी शादी कर ले, नौकरी भी अच्छी मिल गई है तुम्हें, अब तू भी घर बसा ले। एक लड़की देखी है मैंने तुम्हारे लिए। कौन? सुमन, मेरी साली। क्यों दोस्त, खुश हो ना? थैंक यू राकेश, थैंक यू वेरी मच। मगर मैं खुश नहीं हूं, मुझे तुमसे जलन हो रही है। क्यों, आपको जलन क्यों होने लगी? अरे भाई जलन नहीं होगी तो और क्या होगा, मेरी आधी घर वाली को लिए जा रहा है ना। Ha 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 ha!
कौन है? कौन है आप? क्या हुआ? कुछ नहीं, कारपेट से टकरा गया था, चोट लगा। जगाया क्यों नहीं? सोती हूँ तो होश नहीं रहता, कहाँ पर पड़ी हूँ? सॉरी, ना मैं इस तरह सोती और ना आप इस तरह मुझे कारपेट से टकराते। आपने यही सोचा होगा ना कि मुझे डिस्टर्ब न करे। देखिए जी, आप इसे बेच क्यों नहीं देते? मुझे तो अब ये मनहूस लगने लगी है। पहले कुछ चीजें टूट गई, आज आपको जख्मी कर दिया, कल को न जाने और क्या होगा। मैं आपको आखिरी बार कह देती हूं, अगर अब भी आपने इसे न बेचा तो मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। ओके, मैं कल ही अखबार में इश्तेहार। Is it 547084? Yes, that's right. आपने कारपेट बेचने का कोई? हाँ, ये एडवर्टाइजमेंट हम ही ने दी है जी। उसी सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाहता था, यानी कारपेट देखना चाहता था। ओह श्योर, आप कभी भी आकर देख सकते हैं। आपका एड्रेस? सीगल अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 701, टेरेस फ्लैट है, कार्टर रोड पर। जी, मैं कब आ सकता हूँ? आप कभी भी आकर देखिए, मैं सारा दिन घर पर ही हूं। ओके, थैंक यू, सी यू। ओके, बाय। किसका फोन था? कोई गोंसाल्विस था, तुम्हारी कारपेट खरीदना चाहता है। कब आएगा? कभी भी आ सकता है। देखिए जी, कम से कम 35,000 कोट लीजिएगा। 30,000 से कम में किसी हालत में नहीं बेचेंगे हम। अरे बाजार में जाएगा तो 60,000 सिक्का में नहीं मिलेगी। ये जो पैसे मिलेंगे ना, इसका हम एक VCR खरीदेंगे। आप तो फैक्ट्री चले जाते हो, मैं घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। वीडियो पर फिल्में देखा करूंगी। तूने तो वही बात की ना, गांव बसा नहीं उचक के पहले पहुंच गए। अरे उसे आ तो लेने दो, पता नहीं पसंद भी आती है नहीं। हेलो, जस्ट अ मिनट, आपकी फैक्ट्री कहाँ है? हेलो शर्मा भैया, गुड मॉर्निंग। हाँ मैं अभी पहुंच रहा हूँ।
सुमन मशीन रुक गई है, फैक्ट्री जाना पड़ेगा। सात दिन की छुट्टी होती है, उस दिन भी चैन नहीं। नौकरी में नखरा नहीं होता मेम साहब, एक मामूली सा काम है, बस गया और आया। और वो जो कारपेट खरीदने आ रहा है वो जिसे फोन किया था वो आ गया तो? अरे बाबा उसे बिठा कर रखना, कहना मेरा इंतजार करे, मुझे वहां ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुनो मैं यूं गया और यूं आया, जाओ। ना धुआं, ना गंध, ना राख, ना क्रीम, तितली मच्छर भागे क्योंकि ये है गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट इस्तेमाल में बिल्कुल आसान, एक टिकिया डालिए, प्लग लगाइए, ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। यस माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस, मैंने टेलीफोन किया था। ओह कार्पेट के लिए? आइए 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 आइए, मैं आप ही के इंतजार कर रही थी। What? जी मेरा मतलब है कि शर्मा जी ने मुझसे कहा था कि आपको इंतजार करने के लिए कहा। ऐसे वो जरा फैक्ट्री तक गए हैं, मशीन फेल हो गई है, वैसे कुछ खास दूर नहीं हमारी फैक्ट्री, कार में गए हैं, आते ही होंगे। आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपके लिए चाय लाओ या कॉफी? चाय हमारा शौक है, बाकी आपकी मर्जी, जो भी प्यार से पिलाएंगे पी लेंगे हम। अच्छा मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आप गलत समझ रही हैं मैडम, जो आप सोच रही हैं वो हमारे मन में नहीं, हम तो उम्र के उस दौर को बहुत पीछे छोड़ आए हैं जब भी निगाहें किसी बुत पर पड़ती थी तो बुत कांप जाते थे। एक राज की बात बताऊं मोहतरमा, अभी अभी आपने कहा था कि आपके पति देव किसी मशीन को ठीक करने गए, आपने उस मशीन को देखा है, आपके पति के साथ दूरी की गाड़ी में बैठे है, अब तो रेस्तरां के किसी कैबिन में या समंदर के किनारे उसे ठीक कर रहे होंगे, होगी कुछ आप ही की उम्र की, एक साल ज्यादा या एक साल कम, कह नहीं सकता कि वो भी इतनी खूबसूरत है जितने की आप, लेकिन आपसे किसी बात में कम नहीं। चलन एक तूफान छोड़ रहा है आपके दिल में, उस अनदेखी हसीना के लिए जो इस वक्त आपके पति के आगोश में है, अगर आपको इस वक्त मिल जाए तो आप उसकी पोटी पोटी नोच देंगे, यही सोच रही है ना? हाँ। तो उसे धोख दीजिए, क्योंकि जो कुछ मैंने कहा वो झूठ है, एक फसाना है भाई, मैं तो आपके पति को जानता भी नहीं,
ये मैं नहीं जानता कि उनकी शक्ल कैसी, सिर्फ इतना जानता हूं कि उनका नाम समीर शर्मा है क्योंकि उनसे टेलीफोन पर बात हुई थी और बाहर नेम प्लेट पर उनका नाम जैसा आपके साथ हुआ है। इसी तरह किसी मर्द से कहा जाए कि उसकी पत्नी फला मर्द के आगोश में है तो दोनों का खून करने पर आमादा हो जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है मोहतरमा, इंसानी फितरत। शक नफरत को पैदा करता है और नफरत खून करवा देती है। इट्स बॉइलिंग, पानी बहुत उबल चुका है मैडम, अब इसमें थोड़ा सा दूध और शक्कर डाल दीजिए बस। ऐसी कड़क चाय मुझे पसंद है। मैं वहां बैठू? नहीं, आप हॉल में बैठिए, मैं वही आपके लिए चाय लाती हूं। ओके, थैंक यू। कहते हैं जिस घर में ताजमहल होता है वहां मोहब्बत होती है, और जहां मोहब्बत होती है वहां ताजमहल होता है। किसी शायर ने बेशक कहा है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मगर सच तो यह है मैडम, इस दुनिया में मोहब्बत की इससे बड़ी निशानी कोई नहीं। ये उन्होंने मुझे प्रेजेंट दिया है। ओह रियली? तो शहंशाह शर्मा की मुमताज हैं आप। गॉड ब्लेस यू। आपकी चाय। थैंक यू। वाह, कड़क चाय पीने से कड़कती हैं बिजलियां इंसान में। मैडम इस तरह की चाय मिलती रहे ना, 100 साल और नहीं मरूंगा मैं। भाई क्या बात है, अब तो आपकी कारपेट खरीदनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी। हेलो शर्मा। यस स्पीकिंग। मशीन ठीक होने में अभी और थोड़ा वक्त लगेगा। शर्मा जी का मैसेज है कि जो आदमी आने वाला था अगर आ गया हो तो उसे आप बातों में लगाइएगा। उनसे कहिएगा मिस्टर गोंसाल्विस काफी देर से उनका यहाँ इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी आए। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा। थैंक्स। शर्मा जी की तरफ से फोन था, आपको थोड़ी देर वेट करने के लिए कहा है। अच्छा, कब तक आएंगे? जल्दी आ जाएंगे, शायद मशीन ठीक नहीं हुई है। मशीन अभी तक। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं धूम्रपान कर सकता हूँ? शौक से। देखिए कड़क चीजों का शौकीन हूँ मैं, कड़क चाय, कड़क सिगार और कड़क। आदमी काफी दिलचस्प है आप। मेरे बारे में आपकी राय काफी अच्छी है, इसे कायम रखिएगा। हाँ, आप जरा माचिस देंगे? क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। सिगार जलाने में काफी टाइम लगता है ना, माचिस से आपको तकलीफ होगी। ये लीजिए, इसे जलाइए। आपके पति सिगार पीते हैं? जी नहीं, वो स्मोक नहीं करते। फिर आपको कैसे मालूम सिगार जलाने में ज्यादा टाइम लगता है? मेरे जीजा जी को सिगार पीने का शौक है, मेरे साथ बड़ा लगाव है उन्हें। मैं जब भी पास रहूं तो मुझसे सिगार जलाने को कहते हैं। किस्मत वाले हैं वो लोग जिनकी सालियां उनके सिगार चलाती हैं। भाई अपनी तो पत्नी ही कहती थी, बड़ी गंदी बदबू आती है सिगार से और सिगार पीने वाले से। आपको उससे बदबू तो नहीं आती ना? जी नहीं, नॉट एट ऑल। थैंक यू। ये आपके हाथ को क्या हुआ? कट गया था, तलवार लगी थी। तलवार? हाँ, बहुत मारा मारी हुई थी साला। अरे मेरा तो सिर्फ हाथ ही कटा था, उनके तो सर फोड़ डाले थे मैंने।
वो फुवारे छूटे थे खून के, सारी जमीन लालो लाल हो गई थी। पता है मारामार किन के साथ हुई थी? खूंखार कैदियों के साथ। कैदियों के साथ? जब मैं जेल में था। जेल में? हाँ जेल में, तब मैं उम्र कैद की सजा काट रहा था इस बेवफा की वजह से। ये पढ़ो, लो खोल के देखो। आज सचिन श्री अग्रवाल ने एंटोनी गोंसाल्विस को अपनी बीवी की कत्ल करने के जुर्म में दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा दी। बयान की जाती है कि एंटोनी गोंसाल्विस को शक हो गया था कि उसकी बीवी ने किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध थे। खून, मर्डर, किसी की जान ले लेना अच्छी बात नहीं, फिर भी मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ा था किसी गैर मर्द में। अब आप बताइए, ऐसी बेवफा औरत की जान लेकर मैंने कोई गुनाह किया है? आप भी बताइए। बहुत भयानक तूफान आने वाला है आज। एक्सक्यूज मी, उनका पता नहीं कब आए, आप फिर किसी दिन आ जाइएगा फोन करके। मातुमा, इस भयानक मौसम में मैं अब कहां जाऊंगा। चलिए वो काम कर लेते हैं जिसके लिए मैं आया हूं। मेरा मतलब है कारपेट दिखा दीजिए ना। मगर लगता है आप डर गई। देखिए ना, आप इस निशान के बारे में पूछती ना, मैं अपनी राम कहानी सुनाता ना, आप घबराती। मैं तो कारपेट खरीदने आया हूं, पसंद आएगी तो खरीद लूंगा। कोई एतराज? नहीं, कोई एतराज नहीं है, मगर फिर भी वो आ जाते तो अच्छा होता। तब भी बिना देखे तो मैं नहीं खरीदता। कोई तो दाम फिक्स किया होगा आपने, कितने में बेचना चाहती हैं आप? देखिए, हम 30,000 से कम में इसे हरगिज नहीं बेचेंगे। 30,000? ओके, चीज पसंद आ गई तो 30,000 ही दे देंगे। राइट नाउ कैश। इतनी बड़ी रकम देनी है तो उसे अच्छी तरह देखना परखना जरूरी है ना। आप दिखाइए ना, मेरे देखते देखते आपके हस्बैंड भी आ जाएंगे। ठीक है, वो पढ़िए कारपेट, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। थैंक यू। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल, मार्वेलस है। कितने में खरीदी आपने? हमने खरीदी नहीं, मेरे जीजा जी ने
मुझे गिफ्ट दिया था, वेडिंग गिफ्ट। ओह आई सी, फिर तो इसके साथ साथ जीजा जी की कुछ यादें भी आई होंगी, कुछ मीठी कुछ कड़वी कुछ नमकीन। चीचा साली के रिश्ते में कुछ नमक ज्यादा ही होता है ना जी? कुछ नहीं, गिफ्ट ना मिली होती तो आप इसे कौड़ियों के मोल ना बेचती मोहतरमा। आप जानती हैं इसकी कीमत क्या है? एक लाख। एक लाख? जी हाँ एक लाख। आई एम एन एक्सपर्ट इन कार्पेट्स, लेकिन एक बात याद रखना, मैं सिर्फ आपको 30,000 रुपए दूंगा। तेरी तो लाइफ बन गई गंजाल्वेस, तेरी तो लाइफ बन गई एंथनी गंजाल्वेस, तेरी तो क्या? ये कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो पक्का है। क्या कह रहे आप? मुझे कोई धब्बा बाबा दिखाई नहीं दे रहा। वो जरेगा, ये देखो खून का धब्बा है, इंसानी खून का धब्बा, इस कारपेट पर किसी का खून हुआ है, देखो। यो क्या लाते यहाँ से, हमें कुछ नहीं बेचना। क्यों तुम लोग ये कारपेट सस्ते में बेचते हो? आई सेड गेट आउट। साथ देता हूं तुम्हें और तुम्हारे चीचा जी को। बड़ी होशियारी से धब्बे मिटाने की कोशिश की गई है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं तो उसे भी जानता हूं जिसका खून किया गया था, और उसे भी जिसे खून किया है। जिसका खून किया गया था वो भी तुम्हारी तरह एक खूबसूरत औरत थी, और वो खूबसूरत औरत मेरी बीवी थी, और जिसे खून किया उसका नाम एंथनी गोंसाल्वेस है। तुम उस जलील आदमी को भी जानती हो जो उस रात मेरी बीवी के साथ सोया था, राकेश नाथ तुम्हारा चीचा, जिसका दिल जिसकी जान जिसका जिगर हो तुम। क्या बोल रहे हो तुम? सच कह रहा हूं, इस राक्षस के पहलू में मेरी बीवी सोया करती थी, आजकल तुम सोती हो उसके साथ। शट अप यू बास्टर्ड, हाउ डेयर यू। बिल्कुल इसी तरह मेरी पत्नी भी गर्म हो जाया करती थी जब उसे कोई पराए मर्द का ताना देता था। उस सती सावित्र के साथ कपड़ में आग लगा, मगर उस दिन जब मैंने उसे देखा वो बिल्कुल नंगी हो चुकी थी। जब उसने अपने नंगे बदन को ओढ़नी से ढकने की कोशिश की, मैंने चुप रहा। कांप रही थी, मेरी आंखों में खून उतर रहा था, मैंने उसे चुप रहा। और दबाया। जब भी कोई औरत अपने पति के साथ बेवफाई करेगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तक मैंने 9 औरतों का खून किया है, 9 बेवफाओं का। आज तुम्हारी बारी है, भागने की कोशिश मत करना, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। अब न कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। अपनी बीवी को खून किया तो मुझे उम्र कैद की सजा मिली,
दूसरों के बेबियों का खून किया तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि अब मैं एक्सपर्ट हूं। पुलिस के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ता मैं, और तुम्हारा कत्ल करूंगा तो कोई निशान नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मौत से तो समीर खुशियां मनाएगा, खैर मनाएगा। ये ऐसी बेवफा औरत से चक्कर तो तुम्हारे शाहजहां ने प्यार का ये अजीम तोहफा तुम्हें दिया है, और तुम उसकी मुमताज न बन सके। तुम जैसे छूटे इंसान ऐसे सच्चे तोहफे के काबिल नहीं। इस तोहफे के तुम काबिल नहीं हो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मुझे छोड़ दीजिए। मैं ऐसी नहीं हूँ, सच ऐसी नहीं हूँ। तुम जैसी भी हो वो बड़ी खूबसूरत, और खूबसूरती का मजा लिए बिना उसे खत्म कर देना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और मैं बेवकूफ नहीं हूं। बाहर भी बिजली अंदर भी बिजली, मैंने कहा था ना कड़कती हुई चीजें मुझे बहुत पसंद है, इसी बात पर एक कड़कता हुआ जाम हो जाए। विस्की, आई वांट विस्की। वाले हैं वो लोग जिनके सामने शबाब भी है और शराब भी। दो घूंट अंदर उतर जाने दो, फिर देखो जलवा। और तुम भी पी लो, शर्म हया सब कुछ पंख लगा कर उड़ जाए, डर खौफ सब उड़ जाए। लो पियो। मैं नहीं पीती। आज कल की मॉडर्न लड़कियां तो सब कुछ पीती हैं, विस्की, जिन, ब्रांडी, नीच, अंडरॉक्स। मैंने पी थी, अब चाहे तो मेरे हस्बैंड से पूछ लीजिए। हस्बैंड के साथ ना सही, अपने जी चाची के साथ तो जरूर पी होगी। सुना है बड़े रंगीन तबीयत के हैं वो, और फिर साली इतनी कोऑपरेटिव हो तो
तेरी बीवी ने भी उठाया था और तुमने मेरे खाते में वो बच गई, तुम बच गई। मुझे मत मारना। वेडिंग रिंग बहुत कीमती है, तुम जैसी बेवफाओं के हाथ में शोभा नहीं देती। हस्बैंड की अंगूठी गई तो क्या हुआ? ऐसी हजारों अंगूठियां मैं तुम पर कुर्बान कर दूंगा। मेरी बात हो रही है, मैं सच्ची बात नहीं करूंगा। सच ना तुम्हारे दिल में है, सच सिर्फ एक वहम है तुम्हारी जिंदगी में, जिसे आज तोड़ दूंगा। सच नहीं बोलोगी तो झूठी कहकर मार डालूंगा, सच सच बता दोगी तो कैरेक्टरलेस चरित्रहीन कहकर मार डालूंगा। तुम जैसी औरतों के लिए मौत तो लाजमी है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा मेरे जीजा जी के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं था, मुझ पर एहसान करो। जुबान कुछ कहती है, चेहरा चोर कहता है। चेहरा मन का आईना होता है ना, तुम ही बताओ मैं कैसे एतबार कर लूं। उजाले में देखते हैं चेहरा क्या कह रहा है। कर लो उठाओ, उठाओ ना। कर लो अपने जीजा जी से प्यार करती हो या नहीं? नहीं, ये सरासर झूठ है। मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ अपने पति से, मेरा सब कुछ उनका है और वही मेरे सब कुछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर ये तो शादी के बाद की बात है ना। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तब तो तुम्हारे जीजा जी का सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे जीजा जी का था ना? नहीं, मेरा उनसे ऐसा कोई संबंध नहीं था। मैं कैसे समझाऊं आपको? हाँ, ये सच है कि मेरे दिल में उनके लिए चाहत थी, एक ऐसी चाहत जो शादी से पहले हर लड़की के दिल में किसी न किसी के लिए होती है।
तब मेरी दीदी की उनसे शादी नहीं हुई थी। मुझे याद है, मैंने पहली बार उन्हें कहा देखा था। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम, अजनबी कौन हो तुम। ओ दीदी, ये क्या किया तुमने? कैसा नशा छाया था। अरे गजलों की दीवानी, आज तुम्हें ऐसी महफिल में ले जा रही हूँ कि संगीत की बौछार होगी, ऐसा रस बरसेगा कि सारी उम्र नशे में चूर रहोगी। सच? हाँ, मेरी सहेली है ना सुषमा, उसके यहाँ एक फंक्शन है, वहाँ एक गजल गाने वाला आ रहा है। कौन है वो? खुद ही देख लेना, इसीलिए तो साथ लेकर जा रही हूँ, बाद में पूछूंगी तुमसे। जो कुछ मैंने कहा सच था ना? अच्छा, तू जल्दी से तैयार हो जा, ये गेटिंग ले। ओके दीदी। हेलो, जस्ट अ मिनट। दीदी, आपका टेलीफोन, एयर इंडिया से। जी हाँ, यस सर, आई एम रिपोर्टिंग। जी ओके। बस यही एक मुसीबत है एयर होस्टेस बनने में, जब चाह बुला लिया। रोजी को भी आज ही बीमार होना था, अब मुझे इस फ्लाइट से लंदन जाना पड़ेगा। तो प्रोग्राम कैंसिल? नहीं नहीं, तुम्हें तो वहां जाना ही होगा। नहीं दीदी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, वहां मुझे कोई जानता तक नहीं। सब जान जाएंगे जब तुम मेरा नाम लोगी। ठहर, मैं अभी फोन किए देती हूँ। चाहता है बनाने वाले के हाथ चूम लो। क्या मूरत बनाई है, नजर हटती नहीं चेहरे से। आप इसी जमीन की हैं या आसमान से उतरी है? जी, जी, जी मैं। बेस्ट विशेष वंदना। तुम वंदना हो? जी नहीं, वो मेरी दीदी है, सुमन हूं। ओ, सुमन यानी कि फूल। तभी तो हर पत्ती से महक ही महक आ रही है। तुम जिसके लिए फूल लाई हो वो शायद इनकी कदर करे ना करे, मगर हम इस फूल की कदर जरूर करेंगे। ये बहुत हसीन, तुम इससे हसीन। अरे हाँ, कहीं आप भी तो गजल सुनने नहीं आई उस रोकेश नाथ की? रोकेश? वो तो रोता ही रहता है, कहता कहाँ है। छी, उसकी गजल सुनने आई आप? उसे क्या पता कि गजल की धुन किधर होती है। गाता है तो ऐसे लगता है कि तीन चार गधे मिलकर रेंख रहे हो, और शक्ल ऐसी जैसे कि रोते हुए बच्चे को मां फोटो दिखाकर कहती है चुप, नहीं तो रोकेश पकड़ कर ले जाएगा। ठीक है, हमारी बात का यकीन नहीं हो तो जाइए, बड़े शौक से सुनिए गजल। जैसे ही बोर हो जाओ तो वो सामने सड़क पर लल्लू हलवाई की दुकान है ना, वहां चल आना, मैं वहां बैठा पानी पूरी खाता मिलूंगा। ठीक है, ओके। जी शुरू हो जाइए हुजूर। ओ
करते बे चले आए, परे हो तुम तो।
कैसी लगी हमारी गजल? बहुत अच्छी। और गजल गाने वाला? लीजिए, आ गया आपका घर। खुदा करे आपका घर हमारा घर हो और हमारा घर आपका। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मुझे राकेश जी ने भेजा है। सुबह से आपको फोन लगा रहे थे, अगर हर बार एंगेज ही मिलता रहा तभी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है और ये आपके लिए है। राकेश नाथ की गजल सुन अब रोई या हंसी ये तो खुदा जाने, मगर इस ड्रामे को देखकर आप इस फूल की तरह खिल उठेंगी, ये हमारा दावा है। मुझे तो अब तक हंसी आ रही है। क्या सच कहा था उस ड्रामे के हीरो ने, जब नई नई शादी होती है तब मियां बीवी के लिए प्राण नाथ होता है, कुछ दिनों के बाद सिर्फ नाथ रह जाता है और बाकी तमाम उम्र के लिए अनाथ हो जाता है। अभी आप ही बताइए ना कि ये फल मैं खाऊं या ना खाऊं। कौन सा फल? शादी। वो कहते हैं ना, शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछता है और जो न खाए वो भी पछता है। आपने जवाब नहीं दिया। आप अपने मन से पूछिए। कब कर रहे हैं आप शादी? तुम्हारी दीदी को आ जाने दो, शनाइयां बजवा देते हैं। उस दिन से मैं हर वक्त उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती, आंखों के सामने हर वक्त उन्हीं की तस्वीर रहती। मुझे ऐसे लगा जैसे वो आहिस्ता से मेरे पास आकर बैठ गए, उनके हाथों ने मेरे कंधों को छुआ, मेरे तन बदन में एक बिजली सी कौन गई। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया, नरम नरम लबों से मेरी हथेली को चूमा, मेरी बाह को चुमा, सुमन स्टॉप इट सुमन स्टॉप इट नो आई से स्टॉप इट सुमन प्लीज डार्लिंग। अच्छा वेट।
दीदी तुम कब आई? किसके ख्यालों में खोई थी पगली? नहीं दीदी, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। आज तो चोरी पकड़ी गई। नहीं दीदी, सच्ची। मुझसे क्यों छुपा रही हो रानी? बता दे कौन है, मदद ही करूंगी। सुनो, एक खास मेहमान आया है तुमसे मिलने। तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी आ जा। अभी आ रही है। अच्छा। नमस्ते जी, नमस्कारम। कमाल है, हम आपसे मिलने इतनी दूर से आए हैं और आप हैं कि अरे इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? हमारे पास आइए हुजूर, आइए ना। अरे आ जा ना, शर्मा क्यों रही है? वो कोई बिगानी थोड़ी है, तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे जीजा है। धरती पे चली आई परी हो तुमको, जैसा सोचा था मोहब्बत में वही हो तुमको। कैसे धरती पे चली आई परी हो तुमको। ऐसा तूफान उठा उस वक्त मेरा मन चाहा मैं उसे जान से मार डालूं। उस वक्त मैं दीवानी थी, पागल थी राकेश के लिए। उसकी आंखों में अपने सिर बुनना शुरू कर चुकी थी, उसकी हंसी में अपना फ्यूचर दिखा देता था मुझे। जो इंसान मेरे बहन का पति यानी मेरा जीजा होने जा रहा था, उसके ख्यालों में बिस्तर पर साथ लेकर सोती थी और दिन रात उस शादी के टूटने की दुआएं मांगती थी। मगर फिर मुझे एहसास कर दी तो मैं उनके एहसान तले दब गई। समीर जैसा पति पाकर मैं अपनी किस्मत पर हेलो। हाँ मिस्टर शर्मा,
अरे क्या हाल है आपके? अरे भाई कहाँ हो आप? आपका इंतजार करते करते तो हम बूढ़े हो गए सरकार। गंजाल्विस बोल रहा हूँ जी। हाँ, एंथनी गंजाल्विस। कारपेट तो वाकई बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत, पसंद भी आई और दाम भी पूरे दे रहा हूँ। भाई आपकी बीवी बड़ी स्मार्ट है बिजनेस में, है 30,000 से कहती एक रुपया कम नहीं है, दे भी तो रहा हूँ, चीज अच्छी है ना। मिसेस शर्मा शायद अंदर रूम में कुछ रसीद वसीद बना रही होंगी, अब बुलाऊं? नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा मेरे निकलने से पहले अगर आप आ जाएं तो मुलाकात भी होगी आपसे। ओके बाय। तुम क्या समझती हो मैं इतना बेरहम हूं कि तुम पर दया नहीं करूंगा? जाओ तुम्हें जान बख्शी का वादा करता हूं। क्योंकि तुम जिंदा रहकर मेरे और भी काम आओगी। इसमें मैंने तुम्हारा एक एक लव रिकॉर्ड किया। सुनना पसंद करेंगे ना आप? फरमाइए। अपने दीदी के प्रति ईर्ष्या और जलन का एक ऐसा तूफान उठा, एक बार तो मेरा मन चाहा कि उसे 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 जान से मार डालूं। और दिन रात उस शादी के टूटने की दुआएं मांगती थी, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि इसमें मेरे दीदी का क्या दोष। कट 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 कट। मैं यहां से ये लाइन निकाल दूंगा, इसमें मेरी दीदी का क्या दोष। दिस लाइन इज इन योर फेवर। मैं इसे मिटा दूंगा। आगे चलते। उस वक्त मैं दीवानी थी, पागल थी राकेश के लिए। उसकी आंखों में अपने सपने बुनना शुरू कर चुकी थी। उसकी हंसी में अपना फ्यूचर दिखाई देता था मुझे। जो इंसान मेरी बहन का पति यानी मेरा जीजा होने जा रहा था, उसे ख्यालों में बिस्तर पर साथ लेकर सोती थी मैं। कट 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 कट। उसे ख्यालों में बिस्तर में लेकर सोया करती थी मैं। अगर मैं सिर्फ एक लफ्ज काट दूं तो ख्यालों में काट देता हूं। अच्छा ऐसे लगेगा उसे मैं बिस्तर में लेकर सोया करती थी। कारपेट के कितने रुपए मांगे थे? 30,000। अब तो मैं कारपेट भी ले जाऊंगा, 30,000 तुमसे ले जाऊंगा, 30,000 तुम्हारे पति देव से और 30,000 तुम्हारे चीचा जी से और 30,000 तुम्हारी बहन से भी लूंगा। और टोटल कितना हो गया? 1,20,000। अरे मेरी तो लॉटरी खुल गई। अरे मेरा तो बैंक अकाउंट खुल गया। अरे कारपेट की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। इसी कारपेट की वजह से मैं कारपेट ने मुझे राक्षस बनाया। इसी कारपेट के ऊपर तुम्हारे चाचा जी ने मेरी बीवी की सब लूटी। मेरी बीवी, चाचा से भी प्यारी बीवी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं बदला लेकर आऊंगा, अपनी आग बुझाऊंगा। आग बुझाऊंगा जिसे जिसे हमस कहते हैं, हमस। इसी कारपेट पर, इसी कारपेट पर, मेरे
इसी कारपेट की वजह से। इन्फॉर्म कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं समीर के पास जाती हूँ और उसे सब कुछ बता देती हूँ। जल्दी में हूँ, मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ एक मिनट। मेरे पास एक सेकंड तक का वक्त नहीं है, यू सी मेरा हरी। प्लीज, आपकी लिफ्ट खराब है, 7 मंजिल चढ़कर आई हूँ, मेरी हालत बहुत बुरी है, एक ग्लास ठंडा पानी पिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, अंदर आ जाइए। थैंक यू। बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लीजिए पा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ। यही घर है, उसे यही आना चाहिए था। ये क्या कह रही है आप? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले पानी तो पिलाइए, समझाती हूँ।
एंथनी गोंसाल्विस नाम है इसका, आपने तो इसे जरूर देखा होगा। नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, मैं नहीं जानती ये कौन है। कमाल है, आना तो उसे इसी घर में चाहिए था। खैर, ये एडवर्टाइजमेंट तो आप ही ने दिया है ना जी। जी हाँ, फिर तो ये हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ ना आया हो। आज सुबह वो ये एड बड़े गौर से पढ़ रहा था और ये रेड सर्कल है ना, उसी ने बनाया है। मेरे हस्बैंड की एक बहुत बुरी आदत है, वो कोई ना कोई बहाना बना के किसी के भी घर में घुस जाता है, और वो उस वक्त घुसता है जबकि उसे पता होता है कि इस वक्त उस घर की मालकिन बिल्कुल घर में अकेली है, और वो कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाता है, ऐसी कहानी सुनाता है जिससे वो औरत डर से थरथर कांपने लगे, और उस औरत को पूरा यकीन हो जाए कि इस वक्त उसके सामने दुनिया का सबसे खूंखार कातिल खड़ा है और किसी भी वक्त उसका मर्डर कर सकता है। लेकिन इसमें इसका कोई दोष नहीं, क्योंकि अपने वक्त का, स्टेज का वो माना हुआ आर्टिस्ट था। मगर एक दिन उसका कार से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बड़ा भयानक एक्सीडेंट था। आज भी जब याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस एक्सीडेंट का उसके दिमाग पर बहुत असर हुआ, उसकी याददाश्त बहुत ही कमजोर हो गई। धीरे धीरे स्टेज की दुनिया में लोग उसे भूलने लगे, एक दिन बिल्कुल ही भूल गए। लेकिन वो अपने आप को नहीं भुला पाया, और आज भी वो अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है। इसीलिए आए दिन किसी न किसी के घर में घुस के ऐसा ड्रामा करता है कि लोग उसे सच मान लेते हैं। न जाने मैं कितनी बार मर चुकी हूं, न जाने और कितनी बार मुझे मारेगा। कई बार तो उसे पुलिस भी गिरफ्तार करके ले गई, बड़ी मुश्किलों से उसे जमानत पर छुड़ा सकी। you know, असल में वो इतना हार्मलेस और रहम दिल इंसान है कि एक चींटी तक को नहीं मार सकता। क्या सोच रही हैं आप? जी कुछ नहीं। अच्छा, वो जो कारपेट है जिसकी आपने एडवर्टाइजमेंट दी है, उसे खरीदने कोई आदमी आया था? जी आया था सुबह कोई, मुझसे नहीं मिला, मेरे हस्बैंड से मिला। मैं किचन में थी, मुझे नहीं मालूम कौन था। आपके हस्बैंड कहाँ है? फैक्ट्री में है, न जाने कब आए। अच्छा, मैं नीचे इंतजार करूंगी, शायद उन्हीं से कुछ पता चल जाए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, बाय बाय। ओके। मैंने तुम्हारा एक एक लफ्ज रिकॉर्ड किया है। सुमन, सुमन, ओ सुमन, अरे कितनी गहरी नींद सोती हो तुम, बुला बुलाकर मेरी जुबान भी थक गई है। तुम्हारी दीदी ठीक कहती थी, कुंभकर्ण की औलाद है ये, बस सो गई तो सो गई। आप? अरे एक जमाना हुआ मुझे यहां आए हुए, मैं तो तुमसे कह के गया था, बस गया और आया, मशीन को हाथ लगाया, बस मशीन चल पड़ी।
मशीन चल पड़ी तो हम भी चल पड़े। यहाँ आकर देखा तो आप दुनिया से सुमन क्या हुआ? सुमन बताओ तो। सुमन समीर। सुमन समीर। हाँ मुझे खून हो गया समीर। मैंने उस आदमी का खून कर दिया समीर। क्या कह रही हो सुमन? किसका खून कर दिया तुमने? उसी आदमी का। हाँ जो कारपेट खरीदने आया था। अच्छा मार डाला तुमने उसे? अरे सपने में भी लोगों का खून करती रहती हो क्या? समीर तुम मजाक समझ रहे हो ना? मैंने 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 सचमुच उसका खून कर दिया। उसकी लाश उस कमरे में। हाँ अरे अरे सुमन यही पड़ी थी उसकी लाश मेरे कारपेट के नीचे। कारपेट कहाँ गई? विनय मालिक के पास। वही सुबह जिसने फोन किया था। क्या नाम था उसका? हाँ गोंसाल्विस। वही आकर खरीद कर ले गया। नहीं ये नहीं हो सकता। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? पूरे 30,000 रुपए देकर गया हुआ है। ये देखो गिन लो। इम्पॉसिबल नामुमकिन। मैंने मेरे दादी का खून किया है। उसे उसे जान से मारा मैंने। सोते सोते लोगों को मारती रहती हो क्या? जी कितने बुरे संगंधे सपने लिखते हो। आपको आपको मजाक लग रहा है ना? मैं सच कहती हूँ मैंने उसका खून किया है। मैंने मैंने उसे उसी छुरे से मारा है जिसे वो मुझे मारना चाहता था। ये देखो उसने यहाँ पर मुझे दखल किया है। देखो खून का दाग वैसे ही है। कहाँ है दाग? कहाँ है जख्म? घर पर डाले। मुझे लगता है तुमने बहुत ही बुरा सपना देखा। सपना नहीं हकीकत है। मैंने अपने हाथों से उसका खून किया है। छुरा भी तक बाथरूम में मैंने यही रखा था। सपने में देखी हुई हर चीज आंख खुलने पर गायब हो जाती है। जिसने चाय पी थी उसको आपने मार डाला। फिर तो जाने मन आपने हमें ही मार डाला। सुनो जब मैं वापस लौटा तो मुझे चाय की बड़ी तलब लगी थी। तुम बड़े मजे से सो रही थी। मैंने सोचा इतनी सी बात के लिए क्यों डिस्टर्ब करूं तुम्हें। मैंने खुद चाय बना ली और पी ली। ये मेरा झूठा कप है। मैं
लगा है, जैसे मैंने मैंने सचमुच कोई सपना देखा हो। याद कर लो, शायद कोई और सबूत बाकी रह गया हो। फिर ये ना कहना इस ग्लास में से तुमने गोंसाल्विस को पानी पिलाया था। अब याद आया, उसके बाद एक औरत आई थी, वो अपने आप को गोंसाल्विस की बीवी कहती थी। पता नहीं कुछ अनशन पक रही थी। यहां से जाने के बाद भी वो काफी देर दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मैंने पीपल से देखा उसे। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद क्या हुआ ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। अभी तक सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक हो रहा है। इन्हें बेडरूम में ले जाकर वापस वही नाइटी पहना दो, ओके? इतना बड़ा जख्म? मिस्टर समीर, कातिल भी नकली, जख्म भी नकली और चाकू भी नकली। निशान साफ किए देती हूँ। ओके, मैं बाकी चीजें देख लेता हूँ।
मिस्टर शर्मा कमिंग। वेडिंग रिंग। थैंक यू। मेरे दीदी और जीजा जी ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया कि शायद कोई अपने सगे बच्चे को भी न दे। और जब मेरे जीजा जी ने सबीर से मेरी शादी कर दी तो मैं उनके एहसान तले दब गई। समीर जैसा पति पाकर मैं अपनी किस्मत पर। क्यों शर्मा जी, अब भी आपके मन में अपनी पत्नी के प्रति कोई वहम है? नहीं। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि आपकी पत्नी गंगा जल की तरह पवित्र है? हाँ। शर्मा जी, आपका शक तो दूर हो गया, पर एक बात अपनी पत्नी के दिमाग में अच्छी तरह भर दीजिए कि आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था, महज एक सपना, हकीकत नहीं। और इस बात पर अड़े रहिएगा। ओके। लेकिन डॉक्टर साहब, उसे ऐसा दौरा दोबारा तो नहीं पड़ेगा ना? पढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अचेत मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई अनबुझी चाहत ज्वालामुखी बनकर फट गई है। फिर भी अगर ऐसा हो तो ये दवाई लिख कर देता हूं, फौरन खिला देना। ओके। शर्मा जी, हाँ, अगर बुरा ना माने तो एक जाती सवाल पूछूं? जी पूछिए। क्या शादी से पहले आपका किसी लड़की के साथ कोई संबंध रहा? अगर सुमन इस इम्तिहान में पास न होती तो तुम क्या करते? उसे घर से निकाल देते, जान से मार डालते? सदियों से यही होता आ रहा है। सीता जैसी देवी को भी अग्नि परीक्षा देने पर मजबूर कर दिया गया। मैं पूछता हूं, एक गुनाह जिसमें औरत और मर्द दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, उसकी सजा सिर्फ औरत को क्यों दी जाती है? पवित्रता की कसौटी पर सिर्फ औरत को ही क्यों परखा जाता है? I'm sorry. It's all right, doctor. दरअसल शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के अतीत को कुरेदने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर लड़के और लड़की के जीवन में एक लम्हा ऐसा आता है जब उसके दिल में किसी ना किसी के लिए चाहत पैदा होती है। शर्मा जी, शादी सिर्फ दो जिस्मों का मिलन ही नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है, और वहम एक ऐसा जहर है जो एक हस्ती खेलती गृहस्थी को बर्बाद कर देता है। अच्छा किया आप मेरे पास चले आए और अपने वहम को दूर कर लिया। भगवान करे हर पति आप जैसे समझदार हो। थैंक यू डॉक्टर। जन्मों का बंधन
हमने साथ फेरे।